कैसे ऑस्ट्रेलिया वालों, मजा आया? हार गए ना, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे कि हम 5-0 करता, तीसरे मैच में ही तुम्हारा हवा निकल जाता ना। अभी मैं और जॉनी आउट हो गया, लेकिन फिर भी हमारे आखिरी प्लेयरों ने बढ़िया करके ठोका तुमको। हाँ बेन ब्रदर, आप और जॉनी जल्दी आउट क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया वाले फोकड़ में खुश हो रहे थे, मैं भी आउट हो गया। 5वां विकेट मेरा मिला मिचेल स्टार्क को, लेकिन उससे पहले मैं इनकी नैया डुबो चुका था। थोड़ी सी बची थी, वो क्रिस वुड और मार्क वुड ने डुबो दिया इनको पूरी तरह। इंग्लैंड वालों, आज आपने कमाल कर दिया, खास तौर पर हैरी बरोक ने। जब जॉनी और बेन आउट हुए, हमने सोचा आज फिर इंग्लैंड हार जाएगा, लेकिन हैरी बरोक ने भैया 75 रन ठोके, हमारी लाज रख ली। वाह हैरी बरोक भैया, आपके 75 रन काम कर गए। अबे बस करो रोहित भैया, मरते मरते इंग्लैंड आज जीत जाता। मैं तो 5 विकेट लिया, हैरी बरोक का विकेट कुछ देर से हमको मिला, लेकिन भैया आज मेरे पार्टनर कैप्टन ने पित गमज ने कुछ नहीं किया, केवल 1 विकेट लिया। पता नहीं क्यों ऐसा किया उसने। मिचेल स्टार्क ब्रदर, पहली पारी में तो हमने 6 विकेट ली, दूसरी पारी में हमको इन पर तरस आ गया, हाथ हल्का रखा, फिर हमने सोचा चलो जीत ही लेने देते इनको, ताकि चौथे और पांचवें मैच में मजा आए। आज हार जाते तो सीरीज इन्होंने हार जानी थी, फिर मजा नहीं आना। अबे बस कर ऑस्ट्रेलिया वाला, जानबूझ के कौन भला मैच देती यार, फोकट में बाने नहीं बनाती। ऐसे हम आउट होती, अगर हम आउट ना होती हम भी बोलती हम जानबूझ के आउट होती, ठोकने को हम आपको फिर 10 विकेटों से ठोक देती। अब बस करो यार, कट में झूठ नहीं मारो। अबे बस करो, इंग्लैंड वाले ऑस्ट्रेलिया वाले वैसे ही आपको मजाक कर रहे हैं जानबूझ का। सच पूछो, बारिश की वजह से आप बच गए, कल बारिश ना होती 400-500 का टारगेट देना था ऑस्ट्रेलिया ने आपको, आपसे तो 250 का बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ। आप बस करो, रहने दो। अबे बाबर भैया, तू तो बस कर, ऑस्ट्रेलिया वालों को बहाने नहीं बनाने आते, तुम ससुर का नाती बड़ा मारे, देखो कैसा बहाना ढूंढ के लगाया। अबे रहने दो भैया, इंग्लैंड वालों ने जीता है और चौथा पांचवा भी जीतेंगे, तुम देखते जाओ। रोहित ब्रदर बस करता यार, बाबर बिल्कुल सही बोलता, वो तो हमने मजाक कर दिया पिंत के मजे ने। भैया बारिश ना होती कल मैंने शतक या डबल शतक ठोकना था, 500-600 का टारगेट होना था, बिल्कुल बाबर राइट बोला, बारिश की वजह से बच गए। अबे जाता ऑस्ट्रेलिया वाला अपना काम करता, हमारे बल्लेबाज आउट हो गए, लेकिन अंतिम में हमारे गेंदबाजी तुम्हारी गेंदबाजी पर भारी पड़ गए, ठोक डाला। सोचो अगर बल्लेबाज चल जाते तो भैया खटिया बिल्कुल खड़ी करनी थी, टाइम से ही बच गए, फिर भी ठोका। अबे बस कर जॉनी, बेस्ट वो के बच्चे, वो लक अच्छा था, गेंदबाजों ने क्या किया, वो हैरी बरोक के 75 रन थे, टारगेट ही बहुत कम था, बारिश की वजह से बच गए। भैया हमने पहली पारी में शतक लगाया, दूसरी पारी में कोई बल्लेबाज चला नहीं बारिश की वजह से, अब रहने दो। छोड़ो यार ऑस्ट्रेलिया वालों, फोकट में इंग्लैंड के मुंह लगते हो, 2-1 से आप सीरीज में आ गए हो, मेरी बात मानो, चौथे पांचवे मैच में ऐसा इनको रगड़ा लगाओ ताकि फोकट में टेन टेन ना करें। और इनके साथ एक और फोकट में रोहित भैया भी शुरू है यार। हाँ बाबर ब्रदर, चौथे और पांचवे मैच में हम इनको ऐसा रगड़ा लगाता, ये क्या याद करता? इस मैच में हमारा गेंदबाजी बहुत बढ़िया था, बल्लेबाजी पहली पारी में केवल मिचेल मार्श का बल्ला चला, दूसरी पारी बारिश में डूब गई, थोड़े से रन आए 77 और तरवेश हेड के बल्ले से बस। आप पिंत गेमज भैया बिल्कुल सही बोला, 251 का टारगेट था, फिर भी इनकी नैया डूब गई थी, वो तो इनका हैरी बरोक चल गया। चौथा और पांचवा मैच तो आप आराम से जीतोगे, इंग्लैंड की मजाल ही नहीं उसमें कुछ कर पाए, फोकट में टैं टैं कर रहे हैं यार ये लोग। बाबर भैया बस करो यार, फोकट में आप लोग टैं टैं कर रहे हो यार, इंग्लैंड वालों एक मैच आज आपने जीत लिया, अब भैया फिर भी इनकी टेंटे बंद नहीं हो रही है, चौथा पांचवा भी जीतो ताकि इनकी टेंटे बंद हो, फिर हम इनकी दिल खोल के बेइज्जती करें। रोहित ब्रदर तुम काहे को टेंशन लेता यार, 251 का आज टारगेट था तो हमारा भी बल्ला नहीं चला, फिर भी हम जीत गए, चौथा पांचवा मैच तो हम जीतेंगे, भले 600 का ये टारगेट दे, अब तो भैया हमारे मुंह जीत लग चुकी है, अब नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेन ब्रदर, अब हमारा भी बल्ला चलेगा, बस बोध हो गया, अब भैया चौथे मैच में हम कमाल दिखाएंगे, 80-80 गेंदों पर हम शतक लगाते हैं इस बार भैया, 80 गेंदों पर चौथे मैच में हम डबल शतक लगाएंगे, अब कभी नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, भूल जाए। अबे बस करो इंग्लैंड वालों, एक मैच जीत लिया, फोकट में दिमाग खराब करके रखा है, बस करो चुप हो जाओ। पैंट कमीज भैया बस करो, रहने दो, क्यों रो रहे हो? आज यार हमारा हक बनता है, हमारा इंग्लैंड जीता है, हमारे को पूरा पूरा हक है कि आपकी दिल खोल के बेइज्जती करें, लेकिन अभी कहां, अभी चौथा और पांचवा इंग्लैंड जीतेगी, फिर आपकी बेइज्जती करेंगे दिल खोल के। बस करो रोहित भैया, आज किस्मत से जीत गई इंग्लैंड, इंग्लैंड में इतना दम नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, अब एक मैच भी जीते, अभी भी समय है, थोड़ी सी बेइज्जती आपने कर ली है, आपने बदला ले लिया, अब निकल जाओ, नहीं तो खामखा और बेइज्जती होगी, अब नहीं इंग्लैंड जीतेगा।